साउथ कश्मीर के पुलवामा ज़िले से आज एक बड़ी खबर आई है। बताया जा रहा है कि कल एक नाके पर एक गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने रोकने की कोशिश की और वो गाड़ी संदिग्ध रूप में पाई गई थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसका पीछा किया और बताया जा रहा है कि वो गाड़ी आज सुबह पकड़ ली गई है। उसमें आईडी मिले हैं और उसे ब्लास्ट कर दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज को एक बड़ी कामयाबी मिली है और एक बड़ा खतरा जो है वो टल चुका है। पूरी तरह से डिटेल जानने के लिए हम सीधा चलते हैं हमारे कश्मीर से संवाददाता शबीर खान के पास। शबीर, किस तरह का ये बड़ा हादसा जो है वो टला है और किस प्रकार से इस पूरे ऑपरेशन को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम दिया है? बिल्कुल रचित, ये साउथ कश्मीर का जिला पुलवामा का आनगुंड राजपुरा इलाका है, जहां पर कल सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक सेंट्रो गाड़ी को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसमें सवार थे, बताया जा रहा है कि उसमें जो कुछ मिलिटेंट सवार थे, हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट सवार थे, उन्होंने रोकने का उनको इशारा किया था रोकने का, लेकिन उन्होंने इशारे को ठुकरा कर वो नाके से फरार होने की कोशिश की। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन पर जो है कुछ एरियल फायर की, कुछ हवा में कुछ गोलियां चलाई ताकि वो रुक सके, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहां से भाग गए और गाड़ी को एक शमशान जगह पर छोड़कर खुद फरार हुए। तो जब सिक्योरिटी फोर्स ने उनका ताकुब किया तो वो गाड़ी मिली आनगुंड राजपुरा इलाके में, और जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें एक आईईडी, जो बहुत बड़ी आईईडी थी, उसमें फिक्स की गई है ताकि मिलिटेंट किसी बड़े हमले के फिराक में थे, किसी बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। आपको याद ही होगा, अगर हम पुलवामा की ही बात करें, लखीपुरा अटैक की बात करें जो 2018 में हुआ था, जिसमें 2019 में हुआ था, जिसमें कम से कम जो है 40 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, उसी तरह का अटैक करने के गरज से मतलब इस गाड़ी को मतलब उसमें माइन फिट की गई थी ताकि इसको कार्रवाई आ जाए। लेकिन अगर हम सिक्योरिटी एजेंसी की बात करें, उन्होंने एक बहुत बड़े हादसे को टालकर उस गाड़ी को रिकवर किया है और आज सुबह उसमें जो माइन फिट की गई उसको जो है ये जो बम्स का तलब करके उसको डिफ्यूज किया गया है। कहने का मतलब है रजत, आपको अगर इस गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्स ने वक्त से पहले जब्त नहीं किया होता, इस माइन को जब्त नहीं किया होता, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा होने वाला था। जी रजत, जी शबीर, जिस तरह से बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो पिछले कुछ दिनों से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस तेजी से ऑपरेशन चलाए हुए हैं, लगातार नाकों पर चेकिंग की जा रही है। वहीं बात करें अगर अलग अलग इलाकों की, तो वहां पर भी कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन चलाकर सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो कोशिश कर रही है कि आतंकी गतिविधियों को कम से कम किया जाए कश्मीर में, और अगर वहां पर चल रही हैं तो जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। शबीर, इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कितनी बड़ी कामयाबी है, और साथ ही साथ बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, तो पिछले कई दिनों से, या यूं कहूं इस 2020 से, इतना ज्यादा ऑपरेशन बड़े लेवल पर सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा चलाया गए हैं कि जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबियां लगातार मिल रही हैं। देखिए रजत, जैसे कि आपने बात की है कितनी बड़ी कामयाबी इसको मान ले, आप खुद भी जानते हैं कि अगर हम 2019 की बात करें, लखीपुरा अटैक की, जहां पर बहुत बड़ा जो हमला हुआ था जिसमें 40 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हुए, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज एक बार फिर उसी तरह के हमला करना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो है उनके जो मनसूबे उनको नाकाम बनाया है और बहुत बड़े हादसे को टाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये हमला रोका गया है, जो ये गाड़ी जब्त की गई है, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ आम सिविलियन के लिए, क्योंकि जब आईईडी का ब्लास्ट होता है तो सिक्योरिटी अहलकारों के साथ साथ उसमें आम इंसान भी जो है इस बात में आता है, उनकी जान चली जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ये गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो सिक्योरिटी जो है मोटर सिक्योरिटी की है, और ये हैक नंबर प्लेट है उस पर जो लगाया गया है ताकि इस पर शक ना आ जाए, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की दाद लेनी पड़ेगी जिन्होंने इस हमले को वक्त से पहले ही टाल दिया है। और बात रही कि आपने सिक्योरिटी जो इंतजाम की बात किया, नाकों की बात की, आप जैसे कि मालूम ही है कि लगातार अगर हम पिछले कई एक महीनों से बात करें कश्मीर घाटी में ग्रेनेड फायरिंग हो रही है, जो अगर हम हंदवाड़ा की बात करें, सोपोर की बात करें, पुलवामा की बात करें या गांधरबल की बात करें, लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उनसे वेपन छीन
रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत सारी जगहों पे और नाके बढ़ा दिए हैं ताकि ऐसे वाकयात पेश ना आए। और ये ऑपरेशन की बात आप खुद भी जानते हैं, ईद ही के दिन जब ईद उल फितर थी वहां तो साउथ कश्मीर के जिला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेज ने AGS के 2 मिलिटेंट को मार गिराया है और लगातार ऐसे ऑपरेशन जो घाटी में हो रहे हैं ताकि मिलिटेंट्स की गतिविधियों में का जो है कमी देखने को मिली। और लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज इसकी कोशिश कर रही है ताकि जो कश्मीर के कश्मीर में अमन अमान फिर से लौट आए और यहाँ के जो आम लोग हैं वो आम जिंदगी बसर करें ताकि इस मिलिटेंसी को मिलिटेंट से जल्द अज जल्द घाटी से मुक्ति मिले। जी जी शबीर, अगर बात करें हिजबुल मुजाहिदीन की तो पिछले कुछ दिनों में 2 बड़े उनके कमांडर जो हैं वो मार गिराए गए हैं और लगातार तेजी से उनके खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है और कहीं ना कहीं हिजबुल मुजाहिदीन जो आतंकी तंजीम है वो बौखलाए हुए भी नजर आ रहे हैं उनके आतंकी, क्योंकि जिस तरह से ये हमला है ये बताया लगता है कि एक एमेच्योर हमला है, ये पूरी तरह से तैयार होकर ऐसा लगता नहीं आए क्योंकि एक बौखलाहट में ये कुछ ऑपरेशन करने की तैयारी में थे, पर जिस तरह से इनकी बौखलाहट दिख रही है उससे साफ तौर पर लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं पूरी तरह से इनके ऊपर जो है वो इनकी गर्दन पकड़े हुए हैं और जल्द से जल्द आतंकी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन और बाकी जितनी आतंकी तंजीमें हैं उनको कश्मीर घाटी से ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए राजीव, जैसे कि आपने हिजबुल मुजाहिदीन की बात की, आप खुद भी जानते हैं कि रियाज नाइक जो इनका ऑपरेशनल चीफ कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का, वो एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया है पुलवामा के ही जिले में और उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद ही उनका एक और डिविजनल कमांडर मारा गया है जुनैद सहराय। लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज को बड़ी कामयाबी मिलती ही जा रही है घाटी में। ये इसी आज का हमला इसी तरह से किया, मतलब उन्होंने प्लान किया था कि हिजबुल मुजाहिदीन का जो दबदबा है वो कायम रहे, लेकिन अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेज की, वो लगातार हिजबुल मुजाहिदीन और जैश और जितनी भी मिलिटेंट्स की यहाँ आउटफिट्स है उनको लगातार वो फॉलो कर रही है, उनको एलिमिनेट कर रही है, उनके मंसूबों को वो कामयाब होने नहीं दे रहे हैं क्योंकि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज जो मिलिटेंट्स की गतिविधियां बढ़ती ही जा रही है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज इन गतिविधियों में लगातार कमी भी ला रही है। अगर हम बात करेंगे जो अपने बात की है, ये जो हिजबुल मुजाहिदीन की पूरी तरह से कमर टूट गई है, मतलब जब से उनके जो बड़े कमांडर्स मारे गए हैं, ये बात सच है कि लगातार हिजबुल मुजाहिदीन को बड़े धचके लगे हैं इन्हीं महीनों में। जैसे कि अगर हम रियाज नाइकू की बात करें, हमाद खान की बात करें, या जुनैद सहराई की बात करें, या जो नवीद बाबू उनका जिंदा पकड़ा गया है, मतलब सारे उनके जो बड़े कमांडर्स थे, बड़े मोहरे थे उन सिक्योरिटी फोर्सेज ने, या तो इनको एनकाउंटर्स के दौरान एलिमिनेट किए हैं या इनको जिंदा गिरफ्तार किए गए हैं। मतलब हिजबुल मुजाहिदीन पूरी तरह से जो है यहाँ पर आज अगर हम बात करेंगे कमर उनकी तोड़ चुके, इसीलिए ये मतलब चुपके से आप ये IED करवाना चाहते ताकि इनका जो दबदबा है वो कायम हो और बना रहे, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज लगातार इनकी जो है जो ये प्लान कर रहे या हमलों की जो ट्रैप में बैठे होते ताकि सिक्योरिटी फोर्सेज को या आम इंसान को नुकसान पहुंचे, उनको वक्त से पहले ही उनको नाकाम बना दे। जी बिल्कुल, बड़ी कामयाबियां लगातार मिल रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेज को और आज का ID को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ही नहीं पर पूरे कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है क्योंकि एक बड़े आतंकी हमले को वो लोग अंजाम देने आए थे। धन्यवाद शबीर पूरी जानकारी के लिए, इस पर कुछ और अपडेट हो तो हमारे दर्शकों साझा कीजिएगा। जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है उससे यही लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं कि आतंकी तंजीमों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है, कश्मीर से आतंकवाद को पूरी तरह से ख़त्म कर देना है और उसी मुहिम में एक बड़ा हमला जो किया जाना था हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा जो प्लान कर एक ID एक सेंट्रो कार में रखी गई थी जिसकी नंबर प्लेट भी गलत लगाई गई थी ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को चौंका सके और वो वहां से धोखा देकर निकल सके, पर सिक्योरिटी फोर्सेस क्योंकि चप्पे चप्पे पर तैनात है और आतंकी गतिविधियां कभी भी वो बढ़ने नहीं देगी, ये उन्होंने इस ऑपरेशन से साफ जाहिर कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे ऑपरेशन कर आतंकवाद पूरी तरह से कश्मीर से ख़त्म हो जाएगा।